नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले काफी लंबे समय से हम लोगों ने ये देखा है कि जब भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर आर्टिलरी फायरिंग होती है पाकिस्तान की साइड से, और अगर वहां पर कोई सेना की मूवमेंट अगर ना दिखे तो ये माना जाता है कि दूसरी किसी साइड से घुसपैठियों को भारत के अंदर दाखिल किया जा रहा है। हाल में पिछले 4-5 दिन से भारत में इंडियन पॉलिटिक्स में जो ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो एक पूरा चक्कर चलाया जा रहा है, एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करवाया जा रहा है, उसके सामने कांग्रेस बैक एंड में कोई भी सब्सटेंशियल स्टेप लेती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। साथ ही में उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े नाम है कांग्रेस के, जैसे सत्यनारायण पित्रोड़ा हो गए, जिसको सैम पित्रोड़ा भी कहते हैं, तो वो भी इस रणभूमि में उतर आए हैं। और ये जो पर्टिकुलर इनहेरिटेंस टैक्स है उसके संदर्भ में बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया है, मीडिया में भी और साथ ही में ट्विटर पर। तो इसी के चलते ये देखा जा सकता है कि कुछ इस प्रकार के एक्शंस लिए जा रहे हैं जिसकी कांग्रेस को भी पता है कि उन लोगों को ज्यादा कोई भी डायरेक्ट फायदा नहीं होगा। यहां पर हम बहुत ही केयरफुली डायरेक्ट फायदा बोल रहे हैं, क्योंकि बैकएंड में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो काफी ही चिंताजनक हैं, और वो ऐसी हैं जो कि कांग्रेस के काल में कुछ दशकों पहले ऑलरेडी हो चुकी है। जब इंदिरा गांधी का समय था तब भिंडी वाले को बहुत ही सपोर्ट दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा और अन्य कई सरकारों द्वारा भी, और उसको प्रोटेक्ट किया गया था काफी लंबे समय तक, जब तक वो हाथ से नहीं निकल गया, जब तक इंदिरा गांधी को ये नहीं लगा कि अब उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। और उसी के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए, और ये जो सभी बातें हैं वो एक्स RNAW ऑफिसर GVS सिद्धू सर ने उनकी बुक में लिखी हुई है, तो आप जाकर वो बुक पढ़ सकते हैं। उसका नाम है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जो उन्होंने लिखी है, और वो खुद प्रेजेंट थे उस समय जब ये पूरा खालिस्तान ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो उसी प्रकार की कुछ घटना यहाँ पर भी होती नजर आ रही है। कल शाम को अचानक से ये न्यूज आती है कि अमृतपाल सिंह, जो कि एक खालिस्तानी है, जो ओरिजिनली मिडिल ईस्ट में एक ट्रक ड्राइवर था, जब उसने बाल कटा रखे थे और काफी ही चिकना बन के घूम रहा था, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई, उसका टोबड़ा इस तरह से कन्वर्ट किया गया ताकि वो भिंडी वाले की तरह लगे, और बाद में उसको हिंदुस्तान में इंस्टॉल किया गया, जिसके पश्चात उसने अजनाला में कई सारे लोगों को ले जाकर एक पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लिया और वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब को आगे कर दिया ताकि पुलिस वाले कोई भी रिस्पॉन्स इन लोगों के ऊपर ना दे सके। उस समय अजनाला में अमृतपाल सिंह के साथ जो लोग गए थे वो तलवारों के साथ गए थे, तो उन लोगों को सभी को कैप्चर कर लिया गया था। और हाल में अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में NSA के अंतर्गत कैप्चर किया गया है, और उसके अलावा भी कई सारे केसेस उन सभी लोगों के ऊपर चल रहे हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी शामिल है। तो इसी के बीच में अभी भी ये केस चल रहा है, ही इज नॉट बीन कन्विक्टेड, ही इज नॉट बीन एक्विटेड, उसको ना ही गुनहगार माना गया है और ना ही बाइज्जत बरी किया गया है। तो इसी के चलते इट इज कंसिडर्ड That he is innocent until proven guilty. तो उसी लॉजिक के साथ उसको ये अनुमति है कि वो इलेक्शन लड़ सके। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ पार्टीज ने उसको खड़ा किया है, और ये बात चल रही है कि खादूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको लड़ाया जाए। अब ये जो खादूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और वहां पर कई सारे खालिस्तानी समर्थक होने की बात सामने आ रही है। तो हो सकता है कि ये जो अमृतपाल सिंह, अगर उसको वहां से लोकसभा सीट से लड़ाया जाए तो उसका जीतना काफी हद तक कंफर्म हो सकता है। इस पर्टिकुलर स्टेप को लेने के पीछे जो पार्टियों का नाम आ रहा है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से 3 ऐसे अलग अलग नाम है जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसमें से पहला नाम है कांग्रेस का, जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इंदिरा गांधी की सरकार के समय जब भिंडी वाले को काफी सारा समर्थन प्राप्त था पार्लियामेंट में भी, और उसको आसानी से छोड़ दिया गया था, बावजूद इसके कि वो कई सारे हिंदू सिख भाई बहनों की हत्याओं का जिम्मेदार था। तो एक वो हो गए कांग्रेस, जो संभवतः इसको सपोर्ट कर रहे हैं बैक एंड से ताकि इसको बाहर निकाला जाए, और फ्रंट एंड से इस तरह से आर्टिलरी फायरिंग दे रहे हैं वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, ताकि पूरी मीडिया का ध्यान उस साइड पर बना रहे, और यहां से पीछे से धीरे ये जो पर्टिकुलर खालिस्तानी है उसको पंजाब में इंस्टॉल किया जाए।
दूसरा जो नाम है वो है सिमरजीत सिंह मान का, जो संभवतः इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो कई सारे बच्चों को खालिस्तानी होने की चिट्ठी देकर बाहर भेज चुका है, जिस चिट्ठी के आधार पर वे लोग वहां पर असाइलम वीजा सीख करके वहां पर रह सकते हैं। इस प्रकार की कुछ चिट्ठियां भी मिली हैं, तो संभव है कि ये जो सिमरजीत सिंह मान है, जो खुद खालिस्तानी सपोर्टर है, जो खुद इस प्रकार की चिट्ठियां बना बनाकर बच्चों को, पंजाबी सिख बच्चों को बाहर भेज रहा है और उन लोगों को अल्टीमेट भारत के अगेंस्ट में खड़ा कर रहा है। तीसरा जो नाम है वो संभवतः आम आदमी पार्टी का है। अब ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता इन खालिस्तानियों के घर पे जाकर रुके थे, तो ये संभव है पूर्णतः कि आम आदमी पार्टी इस पूरे ऑपरेशन में सम्मिलित हो, इसका एक पार्ट हो या खुद इसको करने में अग्रसर हो। तो इसी तरह से हो सकता है कि या तो कांग्रेस, या तो सिमरजीत सिंह मान, या तो आम आदमी पार्टी, या फिर तीनों, या इनमें से कोई भी दो मिलकर इस पर्टिकुलर खालिस्तानी को वहां पर पंजाब में फिर से एक बार इंस्टॉल करके पंजाब में फिर से केओस क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इनमें से कौन सी पार्टी है जो देश विरोधी तत्वों को इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट बनाना चाहती है, सेसेशनिस्ट सेपरेटिस्ट लीडर्स इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक और एंगल है जिसमें हो सकता है कि बाहर से ये पूरा प्लान किया गया हो, जिस तरह से सैम पित्रोदा ऑलरेडी बाहर से इंडिया आए हैं, वो यूएस में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बाहर से इंडिया आए हैं, तो हो सकता है कि यूएस डीप स्टेट का या एक्सटर्नल फोर्सेस का इसमें हाथ हो, ये पूरे प्लानिंग हाथ हो या फिर प्लानिंग ऑलरेडी बाहर इंडिया के बाहर किया गया हो। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में और इस खालिस्तानी को इंडियन पॉलिटिक्स में इंस्टॉल करने के बारे में, यह हमें कॉमेंट जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, वोटिंग करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। तो वोट करने जरूर जाएं और सोच समझ कर अपना वोट दें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक जय हिंद, हर हर महादेव।